नमस्कार दोस्तों स्टडी पॉइंट टुडे के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है आज मैं आपके लिए राजस्थान की एक महत्वाकांक्षी योजना के बारे में लेकर आया हूँ वो है कौन सी योजना है गहलोत सरकार ने जो कौन सी अभी हाल ही में लॉन्च की गई है और सबके लिए ये योजना अनिवार्य है होगी उससे पहले कौन सी योजना थी जिसको सरकार ने बंद कर दिया और ये योजना कब से स्टार्ट होने वाली है तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें तो दोस्तों ये रही आपकी ये योजना आपको मैं बता देता हूँ सबके लिए अनिवार्य क्यों हैं क्योंकि दोस्तों ये है एक जन आधार कार्ड लॉन्च किया है अशोक गहलोत सरकार ने जो कि ये एक कार्ड एक पहचान और एक नंबर के जो मतलब सभी का होगा यानी पूरे परिवार का एक कार्ड होगा एक पहचान नंबर होगा और एक जो आधार कार्ड जो आधार कार्ड होगा उसको उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा और दोस्तों साथ ही मैं बता देता हूं कि जो भामाशाह जो योजना है भामासा कार्ड वो बंद होने वाले हैं अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा कर दी है बजट में और ये जो जन आधार कार्ड लॉन्च होने वाले हैं ये इसको जानेंगे हम जन आधार कार्ड 2020 के नाम से और ये है मार्च में लॉन्च होंगे बहुत ही जल्दी और तो दोस्तों ये जो इमित्र संचालक हैं वहाँ सा बनना स्टार्ट हो गए हैं तो दोस्तों समय ना गवाएँ और जल्दी से ये योजना आपको लागू होने वाली है तो दोस्तों बता देता हूँ मैं वो कब ये घोषणा हुई थी इस योजना की तो ये दोस्तों आप देख सकते हो परिपत्र में जो आया हुआ है मान्य माननीय मुख्यमंत्री मोदी द्वारा परिवर्तित बजट 2019-20 की जो घोषणा के अनुच्छेद एक के अनुपालन अनुपालना में क्या है राजस्थान जन आधार योजना क्या कौन सी योजना राजस्थान जन आधार योजना 2019 लॉन्च की घोषणा हुई थी इसी के संबंध में ये योजना शुरू की जा रही है दोस्तों तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों क्योंकि अगर वीडियो को आप पूरा नहीं देखोगे तो पूरी योजना समझ में नहीं आएगी बस एक बार वीडियो देख लोगे तो आप पूरी योजना समझ में आ जाएगी क्या है किन के लिए अनिवार्य है और किन के लिए अनिवार्य नहीं है तो दोस्तों अभी तक मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों नीचे क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो जो नेक्स्ट योजना है कोई सी भी उसके जो आपको पता नहीं चलेगा और पास में बेल आइकन यानी घंटी का बटन बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो दोस्तों ये है जन आधार योजना राजस्थान जन आधार योजना है किसके स्थान पर लागू की जा रही है तो दोस्तों ये आधार कार्ड में इसका नंबर होगा इसमें नंबर होगा भमासा कार्ड इसमें बंद होने जा रहा है तो दोस्तों गांधी जी ये आप देख रहे हो लोगो साइड में गांधी जी डेढ़ सौ यानी कि गांधी जी की डेढ़ सौ जयंती के उपलक्ष्य में और राजस्थान सरकार की गहलोत सरकार के एक वर्ष के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा जन आधार कार्ड लॉन्च जो योजना है वो लॉन्च होने जा रही है तो ये देख लिए दोस्तों एक नंबर एक कार्ड और एक पहचान क्या है एक नंबर एक कार्ड और एक पहचान इसका जो देह वाक्य क्या है ये देख दे, दे रखा है आपको अधिकारो मम हस्तगते यानी मेरा अधिकार मेरा हाथ में क्या है मेरा अधिकार मेरे हाथ में राजस्थान जन आधार कार्ड का जो देह वाक्य है मेरा अधिकार मेरे हाथ में तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आधार इसके लिए क्या क्या दस्तावेज जरूरी है तो दोस्तों अनिवार्य दस्तावेज यानी ये जो ऊपर मैं बता रहा हूँ दस्तावेज ये आपको लाने ही लाने हैं जब यह कार्ड बनाओगे आप क्या क्या दस्तावेज हैं सभी सदस्यों की पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो होने चाहिए परिवार के उसके बाद में आधार कार्ड होने अनिवार्य है कि नहीं दो सदस्यों के यानी परिवार के दो सदस्यों के तो आधार कार्ड इसमें अनिवार्य है अगर अधिक सदस्य हैं तो सभी का आधार कार्ड इसमें अनिवार्य है तीसरे नंबर पर आती है इसमें बैंक पासबुक जो कि मुखिया की, की होगी इसमें महिला मुखिया होगी महिला मुखिया होगी अगर महिला नहीं है तो इसमें पुरुष भी हो सकता है तो उनकी जो बैंक पासबुक है वो आपको लेकर आनी पड़ेगी ई मित्र पर उसके बाद में मोबाइल नंबर मोबाइल नंबर जो मुखिया का अनिवार्य मोबाइल नंबर है वो इसमें अपडेट होगा बिना मोबाइल नंबर के ओटीपी नहीं आएगा और अगर ओटीपी नहीं आएगा तो आपके कोई सी भी योजना है उसको आप जो क्रियान्वयन सही सुचारू डोम से रंग से नहीं होगा उसके बाद में आय प्रमाण पत्र चाहिए होगा इसमें आय के अंतर्गत परिवार के पुरुष मुखिया के नाम का चार पेज वाला यानी जो आय प्रमाण पत्र है वो परिवार के पुरुष मुखिया का होगा ना कि महिला मुखिया का तो इसमें यह इम्पोर्टेंट है तो चार पेज वाला होना चाहिए आय प्रमाण पत्र ये आपको स्वयं घोषणा वाला बन जाएगा पटवारी सरपंच और स्वयं का इसको कहीं भी मित्र वगैरह जाने की जरूरत नहीं है फॉर्म मंगा कर वहां पर या पर्च सकते हो उसके बाद में आपको परिवार का राशन कार्ड चाहिए जिस यानी कि एक परिवार में दो राशन कार्ड है तो दो राशन कार्ड इसमें लगेंगे अगर लेकिन एक राशन कार्ड पर एक ही ये आधार कार्ड लॉन्च होगा कौन सा है जन आधार योजना के बारे में बता रहा हूँ संपूर्ण डिटेल तो दोस्तों अभी तक जो मैंने ये बताई है योजना ऊपर वाली छः ये तो इम्पोर्टेंट है ही है यानी कि इन्हीं दस्तावेजों में ये सभी अनिवार्य है कौन कौन सी अनिवार्य है फर्स्ट नंबर परिवार के सभी की रंगीन फ़ोटो उसके बाद में सेकंड नंबर पे आधार कार्ड कि नहीं कम से कम दो सदस्यों का आधार कार्ड चाहिए इसमें उसके बाद बैंक पासबुक मुखिया की अनिवार्य यानी मुखिया की जो इसमें मुखिया होगी महिला उसकी बैंक पासबुक अनिवार्य होगी इसमें उसके बाद में मोबाइल नंबर चाहिए इसमें महिला मुखिया के और आय प्रमाण पत्र इसमें चाहिए होगा पुरुष यानी कि पुरुष मुखिया के उसके बाद में राशन कार्ड चाहिए उसमें तो टोटल इसमें छः दस्तावेज तो अनिवार्य हैं लेकिन मैं आपको बता देता हूँ अब ये जो दस्तावेज बताने जा रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों अगर आप इस कार्ड में ये जो अब मैं बताऊंगा दस्तावेज ये अपडेट नहीं करवाओगे तो क्या होगा कि बीच बीच में आपकी जो कोई भी योजना आएगी जैसे पेंशन वोटिंग कार्ड लाइट बिल वगैरह कोई सी पाजनी ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट ये टोटल आप इसी योजना के माध्यम से आपको अपडेट करवाने ही होगा उसके बाद ही वो सब कुछ बन पाएंगे तो दोस्तों कौन कौन से ये अनिवार्य नहीं है लेकिन आप सबको लगाना जरूरी है ताकि बार बार ई मित्र के जो चक्कर लगाने पड़ रहे हैं वो आप उनसे बच सको तो कौन कौन से आप लगा दें इसमें ई मित्र वाला मना करेगा लेकिन आप उसमें ये ऐड जरूर करवा देना दोस्तों क्योंकि बार बार ई मित्र के चक्कर लगाना पड़ेगा अगर ये आप नहीं लगाओगे तो इसमें क्या है अगर आपके पेंशन आ रही है तो पीपीओ जो फॉर्म होता है या परिवार की पेंशन का जो कुछ भी डॉक्यूमेंट वो चाहिए होगा उसके बाद में वोटिंग कार्ड यानी पहचान पत्र पहचान पत्र भी इसमें अपडेट करवा देना चाहिए इसमें क्योंकि बाद में अगर कहीं भी चाहिए तो बार बार उसके ईमित्र के चक्कर काटने पड़ेंगे उसके बाद में लाइट बिल एक जरूर लगा देना गैस कनेक्शन का पासबुक इसमें अपडेट करवाना जरूरी है क्योंकि अगर ये नहीं करवाओगे तो ये अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे किसके महिला मुखिया के जो गैस कनेक्शन किसके नाम से है वो ये आधार कार्ड का ही एक नया रूप है जन आधार योजना है ये उसके बाद में नरेगा का जॉब कार्ड अगर आपके पास है तो वो भी इसमें अपडेट करवाना जरूरी है क्योंकि अगर निरागा का जो पैसा आएंगे वो भी इसी में आएंगे तो टोटल टोटल जो है इसी से संबंधित ये इम्पोर्टेंट कार्ड है तो दोस्तों इसके बाद में आप पानी का बिल अगर आपके लागू होता है तो वो आप लगा सकते हो उसके बाद में ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो वो भी इसमें अपडेट करवा सकते हो पासपोर्ट है तो वो भी अपडेट करवा सकते हो और अगर आप सरकारी कर्मचारी है तो तो आपकी आईडी जो भी आपकी आईडी है वो पहचान कार्ड है सरकारी वो आप इसमें अपडेट करा सकते हो अंत में आपको अगर पेन कार्ड है आपके पास तो वो भी अपडेट करवा लें क्योंकि यह दोस्तों जो ऊपर छः बताए तो ये तो आपको अनिवार्य है ही है लेकिन जो अभी मैं बाद में सभी बताए हैं मैंने ये इतने दस और ये भी आप इसमें अपडेट करवा लें ताकि बार बार जो इमित्र के जो चक्कर लगाने पड़ रहे हैं वो नहीं लगाने पड़ेंगे तो दोस्तों ये हैं कौन कौन से हैं इसमें दस में जो आप लगा सकते हो ताकि समय का बचत हो सके आपको तो फर्स्ट में है पेंशन का फॉर्म वोटिंग कार्ड यानी पहचान कार्ड उसके बाद में लाइट बिल गैस कनेक्शन की पासबुक भी आप इसमें लगा सकते हो नरेगा जॉब कार्ड भी आप इसमें लगा सकते हो पानी बिल ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट सरकारी कर्मचारी का आईडी इसमें लगेगी और पैन कार्ड तो ये टोटल जिसके दस्तावेज मैं बता रहा हूँ वो है क्या है जन आधार कार्ड के दस्तावेज आपको ई मित्र पर लेके जाने हैं और दोस्तों मैं अब आपको बता देता हूँ कि ये जो जन आधार कार्ड लॉन्च हुआ है ये क्यों ज़रूरी हुआ तो आपको मैं बता देता हूँ इसकी पूरी जानकारी तो दोस्तों अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों और पास में बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाला हर वीडियो का और हर योजना के बारे में आपको मैं संपूर्ण रूप से बता सकूं तो दोस्तों ये आधार ये जो जन आधार कार्ड इसकी जरूरत क्यों पड़ी और भामाशा कार्ड बंद क्यों हो रहा इसकी संपूर्ण डिटेल में अब अब बताने जा रहा हूं तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि राज्य के सभी निवासी यानी कि राज्य के सभी निवासी परिवार जन आधार योजना 2019 के तहत पंजीयन करवाने एवं जन आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए पात्र यानी राज्य राजस्थान राज्य के सभी परिवार इसमें पात्र होंगे जिन्हें दस अंकीय परिवार पहचान संख्या सहित यानी जो जो जन आधार कार्ड होगा दस अंक का होगा आधार कार्ड प्रदान किया जाएगा जन आधार योजना में अठारह वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला को मुखिया बनाया जाएगा ये इंपॉर्टेंट है किसको महिला को मुखिया बनाया जाएगा यदि परिवार में अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला नहीं है तो इक्कीस वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुष को मुखिया बनाया जाएगा दो कंडीशन है उसके बाद में यदि दोनों ही प्रकार के सदस्य नहीं है तो अधिकतम किसी भी परिवार के जो सदस्य है उसको मुखिया बनाया जाएगा तो यह हो गई मुखिया की बात अब बता दें मैं आपको दोस्तों इसके जो लाभ क्या क्या है क्या नहीं है वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों क्योंकि एक बार ही देखना पड़ेगा आपको तो हमेशा ये जन आधार कार्ड आपके साथ में रहेगा लेकिन इसकी जो योजना और लाभ है एक बार आप सुन लो वीडियो को अंत तक ज़रूर ना देखें लेकिन जो समझ में आए वहाँ तक जरूर देख सकते हो आप और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दे दोस्तों ताकि ये मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके ये वीडियो बनाता हूँ तो उसका मेरे को भी थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल सके तो दोस्तों तो नए जन आधार कार्ड का रंग रूप बदलने वाला है इसका रंग अलग रंग में जारी किया जाएगा पहले से ज़्यादा योजनाओं को इस कार्ड में यानी बहुत सारी योजनाओं को इस कार्ड में एक ही कार्ड में जोड़ा जाएगा मौजूदा कार्ड में चिप लगी हुई थी और अब इसमें जो क्यू कोड लगेगा क्या जो स्कैन होने वाला कोड है इसमें चिप नहीं लगेगी इसे स्कैन पर सीधे ही सर्वर से जुड़ जाएगा और संबंधित व्यक्ति का पूरा ब्योरा कंप्यूटर आ जाएगा यानी कंप्यूटर के ऊपर आ जाएगा ये डायरेक्ट स्कैन होते ही जिस परिवार का कार्ड बनता है उस परिवार के सभी सदस्यों का भी वही नंबर होता है यानी कि एक परिवार का एक ही नंबर होगा इसमें जो उस कार्ड पर दिया गया होता है लेकिन अब सरकारी कार्ड में शामिल हर परिजन को अलग अलग नंबर देगी यानी कि पहले अलग अलग एक नंबर होता था लेकिन अब हर परिजन को अलग अलग नंबर देगी और आधार से जुड़ा होगा तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर ताकि मैं बता सकूं आपको पूरा वीडियो के बारे में ऐसे में हर व्यक्ति का जो रिकॉर्ड रखने में आसानी रहेगी यानी कि परिवार के जो रिकॉर्ड है क्या कि कौन सी योजना का लाभ ले रहा है नहीं ले रहा है या यानी कि कौन से आप बेनिफिट ले सकते हो इसमें वो भी इसमें इंक्लूड होगा क्यों नहीं ले रहे हो जो योजना का लाभ उसमें वो भी पूछा जाएगा तो अलग अलग डाटा तैयार हो सकेगा बताया जा रहा है कि सरकार के नए नियम जो नए बनने वाले राशन कार्ड की जगह इसी कार्ड को इस्तेमाल करने का भी विचार किया जा यानी कि हो सकता है इंपॉर्टेंट है कि राशन कार्ड ना बनाकर इसी कार्ड को भी बना लिया जाए क्योंकि राशन कार्ड भी डिजिटल होने की तैयारी है तो ऐसे में सरकार नए सिरे से राशन कार्ड तैयार करने का खर्चा भी बचाने जा रही है तो दोस्तों ये कार्ड वही बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा ये ये सुनने में आ रहा ऐसा कि उसके बाद में जन आधार कार्ड बनाने का उद्देश्य क्या है यानी सरकार जन ये जो आधार कार्ड है अलग अलग ये इसका उद्देश्य क्या है ये जो जन आधार कार्ड है क्योंकि ये दोस्तों ये बता देता हूँ मैं दोस्तों क्योंकि अलग अलग कार्ड जिसके आपके पास बामासा कार्ड हो गया शर्मी कार्ड हो गया आधार कार्ड हो गया पेन पासबुक हो गई सभी का डाटा यह एक जगह रह जाएगा इसलिए ये आपको जरूरी है इसका उद्देश्य क्या है जनसंख्या सामाजिक आर्थिक सूचना का डाटा तैयार करना है उसके बाद में एक नंबर एक कार्ड एक पहचान प्रदान करना लोगों को जन कल्याणकारी योजना यानी कौन कौन सी नई योजनाओं का लाभ घर के समीप उपलब्ध कराना यानी घर के पास में उपलब्ध करवाना उसके बाद में बीमा की सुविधा ग्रामीण क्षेत्र में मित्र का विनिमय नियंत्रण टोटल यानी ये नकद लाभ लाभार्थी यानी जो डेयरी का आपके पैसा आ रहे हैं या फिर गैस कनेक्शन का आपके पैसा आ रहे हैं पेंशन के पैसा आ रहे हैं उसी सबके पेंशन पैसे के आधार पर ये कार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों महिलाओं से संबंधित है ये यह बहुउद्देश्य कार्ड होगा यानी बहुत उद्देश्य का संबंधित होगा मैं जैसे ने अभी बता दिया मैंने जो एक बार निशुल्क उपलब्ध कराएगा यानी कि जो शुरू में बनेगा ये बिल्कुल बिना पैसे के बनेगा लेकिन उसके बाद में आपको पैसे लगेंगे इसलिए बिना विलंब ये कार्ड बना ले समय समय पर डेटा अद्यतन किया जाएगा यानी इसका डेटा का जो अवलोकन किया जाएगा परिवार के किसी भी सदस्य का आधार नामांकन होने पर उस सदस्य की आधार संख्या को जन आधार पोर्टल पर दर्ज करवाना अनिवार्य है यानी कि किसी परिवार का कोई भी किसी का भी अधिक आधार कार्ड बना हुआ जैसे तो सबको उस कार्ड में जो दर्ज कराना अनिवार्य होगा परिवार को पात्रता अनुसार समय समय पर लाभ प्रदान किए जाएंगे यानी परिवार अगर आपका परिवार पात्र है तो समय समय पर इसकी जानकारी दी जाएगी लाभ की जानकारी जन आधार पोर्टल पर यानी मोबाइल पर भी दे सकते हैं ई मित्र पर भी केंद्र पर ई मित्र प्लस पर ट्रांजेक्शन मैपर में उल्लेखित होगी जिससे परिवार का सदस्य बायोमेट्रिक मोबाइल ओ यानी ये देख सकते हो मोबाइल नंबर क्यों जुड़ाना अनिवार्य है क्योंकि इसको ओ के माध्यम से सत्यापन होगा ठीक है क्योंकि जो आप अंगूठा लगाते हो वो बहुत ही टाइम लगता है उसमें तो दोस्तों जो ये जन आधार पहचान संख्या जारी होने के उपरांत मुद्रित कार्ड संबंधित नगर निकाय पंचायत समिति वितरण हेतु प्रेषित किए जाएंगे यानी आपकी पंचायत जो आपको ये आपको घर पर देना आएगी ये कार्ड उसके बाद में तो दोस्तों ये योजना कब शुरू हुई थी आपको बता दिया मैंने माननीय मुख्यमंत्री मोदे द्वारा परिवर्तित बजट 2019-20 में इसकी घोषणा की गई थी उसी के अनुपालना में राजस्थान जन आधार योजना 2019 का क्रियान्वयन किया जाना है जिसके तहत सभी विभागों विभागों की योजनाओं के लाभ सेवाओं की जो प्रदान है वो सुनिश्चित की जाएगी तो दोस्तों ये देख सकते हो आप कि जन आधार कार्ड अब तक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्ड रहने वाला है क्योंकि इसमें आधार कार्ड वगैरह सब कुछ मैं आपको बता दिया गैस yes, गैस yes लोगे तो इसी के माध्यम से लेना पड़ेगा आपको आधार कार्ड अगर आपके बैंक में जो आप नरेगम जाते हो उसका पैसा जो भी नया अलग से सरकार जो पैसा देगी उसके हिसाब से आप इसमें यह जारी कर सकते हो तो बामसाह की जगह

यानी जन आधार कार्ड जारी करने का विचार कर रही है यानी कि आज ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में इसके लिए जो मीटिंग की थी बल्कि योजना के स्वरूप में भी अहम बदलाव किए जाने की तैयारी में है तो राजस्थान में भाजपा की पिछली सरकार ने भामाशा कार्ड योजना को उसको चालू की थी उसने अशोक गहलोत ने बंद करने जा रही है तो भामाशाह की जगह ही यह होगी जिसको आपको निःशुल्क इलाज किया जा रहा है दोस्तों तो ये देख सकते हो आप व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं को इस कार्ड से जोड़ा जोड़ा जाएगा स्वास्थ्य बीमा को भी इसी कार्ड से जोड़ा जाएगा अभी इस योजना के तहत जो ये भामाशाह कार्ड की बात हो रही है तो नए भामाशाह की जगह भी ये कार्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको ये कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिखे दोस्तों और अभी तक मेरे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट टूडे को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और पास में जो ये बेल आइकन दिख रहा है घंटी का बटन उसको जरूर दबाएं तो दोस्तों दबाने के बाद में क्या होता है कि आपका जो मैं वीडियो कोई भी बनाऊंगा तो वो आपको पास सबसे पहले पहुंचेगा और दोस्तों अभी तक अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी पॉइंट टुडे वहाँ जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप में स्टडी पॉइंट टुडे सर्च करके वहाँ इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह रहती है वहाँ से आप ये सभी योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकते हो दोस्तों इंस्टाग्राम फेसबुक पेज सभी पर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो दोस्तों धन्यवाद वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें दोस्तों और हाँ दोस्तों जो जितने भी वीडियो हैं ये सभी इसका लिंक अपने दोस्तों को जरूर शेयर किया करें दोस्तों ताकि सभी को इस योजना का लाभ मिल सके क्योंकि दोस्तों जो न्यूज़पेपर हैं सभी के पास नहीं पूछ पाता है कोई कहीं रहता है कोई कहीं रहता है इसलिए यह योजनाओं के बारे में इस योजना के बारे में जानकारी सभी को होनी चाहिए धन्यवाद दोस्तों